Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ सलमान खान ने किया टीवी पर गरबा। आयुष अपनी को स्टार वरीना हुसैन के साथ फिल्म लव रात्रि को प्रमोट करने 10 का दम में आए थे। इसके कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने आज लोगों को हैरान कर दिया अपने इस फोटो को लेकर। यह है विक्रम का नया लुक जिसमें उन्हें पहचान पाना ना के बराबर है। फैंस भी इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन से दंग रह गए। अभिषेक बच्चन की कमबैक फिल्म मनमर्जिया का ट्रेलर कल लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज मेकर्स ने अनवील किया एक पोस्टर जो कि काफी इंट्रीगिंग है। बिग बी अमिताभ बच्चन की समधी और श्वेता नंदा के ससुर राज नंदा के निधन के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने कई सितारे पहुंचे। आज फिल्म मेकर करण जौहर और शाहरुख खान की बीवी गौरी खान भी दिल्ली के लिए रवाना हुए श्वेता और उनके परिवार से मिलने। साउथ सुपरस्टार एनटी रामाराव पर बायोपिक बन रही है जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह निभाने वाली है लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी का किरदार। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने एनटी रामाराव के साथ करीबन 14 फिल्मों में काम किया है। आज खबरें वायरल हुई कि शाहिद कपूर ने इम्तियाज अली की अगली फिल्म को ठुकरा दिया है, लेकिन इम्तियाज के स्पोक्स पर्सन ने इन सभी खबरों को अफवाह करार दिया। स्टेटमेंट रिलीज कर कहा कि इम्तियाज कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं और अब तक उन्होंने किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं किया है। देश के नामचीन फिल्म इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड्स में धड़क फिल्म के बारे में बात करने आए जानवी कपूर और ईशान खट्टर। जानवी से धड़क के बाद उनकी अगली फिल्म को लेकर पूछे जाने पर कुछ ऐसा आया उनका रिएक्शन। I don't know what's next. hopefully many things will be next. But yeah, the love. क्या आप कहना चाह रही हैं? आपको कोई ऑफर्स नहीं आए हैं? Why wouldn't? I like doing this. I can be on the other side, sir. I don't worry, मैं आपका काम करता हूँ. क्या आप ऐसा कहना चाह रही हैं? आपको अभी तक कोई ऑफर्स नहीं आए? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रही। तो आप बता नहीं सकती? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बता सकती। Okay, Ishan, anything? Well, hopefully a film soon, but there's nothing that I can talk about just yet, and. It was very overwhelming. It was I think it still is. To this date, I'm getting messages and calls, and people are loving the film, and I really hope that it'll be a memorable one. Ranveer Singh ne Priyanka Chopra ke saath kiya Instagram par mazak. Priyanka ne apni ek workout selfie post ki, jis par Ranveer ne Priyanka ke diet ko lekar mazak udaya. Unka mazedar conversation fans ko dekhne ko mila. प्रियंका चोपड़ा ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दी अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म जो है द स्काई इज पिंक। प्रियंका ने फिल्म की शूटिंग आज से शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका ने शेयर किए कुछ तस्वीरें और लिखा एक इमोशनल पोस्ट। आज अनुष्का शर्मा फिर हुई ट्रोल का शिकार। बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए इस फोटो की वजह से फैंस ने उठाए कुछ अहम सवाल। दरअसल इस तस्वीर में विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा के होने को लेकर सवाल उठे, क्योंकि पूरी टीम के किसी अन्य खिलाड़ियों की पत्नी मौजूद नहीं थी। फैंस ने बीसीसीआई से सवाल किया कि अनुष्का को इतनी प्रायोरिटी क्यों?